बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। करेले गोश्त एक वाहिद मेमूबई है जिसना पाकिस्तान ने हर ज़िले, हर शहर, हर सूबे, हर इलाके में एक आशिक तो पक्का मौजूद होना। बहुत ही आसान जी रेसिपी, मिनटा च बनने वाली, तो सुन के नहीं ताज़र है आसमान वाली खुशामदीद कर। अच्छा, तेल गर्म करी उसने असा अपने करेले पासो, ठीक है, उन्हें की करी किसा ब्राउन। एक गल याद रखे, करेले गोश्त जो करेले असं इस्तेमाल करने उन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना ताकि वह बाद गली तो उन्होंने टैक्सचर जोड़ा खराब ना गच्छे, निरा गारा ना बनी गच्छे, ठीक है। अच्छा जी, इन्हें अच्छी तरह गल ब्राउन करने तो बाद कढ़ी दो। तुस ए भी ख्याल रखो कि इसने असं जो करेले इस्तेमाल किए थोड़े मोटे मोटे कट्टे, सही है। अच्छा जी, तेल जोड़ा सा वो करेलियाँ लाओ, उसने अच्छी असं अपनी प्याज ब्राउन करी की सी। अच्छी तरह प्याज जी ब्राउन करो, अद्धी प्याज चाहिए रखने मकसद ये है कि ग्रेवी भी अच्छी बन सी और सालना जायका भी अच्छा हो सी। प्याज असा अपनी कड़ी किनसा, उसकी पेपर उपर फैलाई किनसा। तो अच्छा, एक दूसरे कुकर असा चाहिए थोड़ा जो ऑयल, उसने बसा लहसुन तो अद्धा किलो बीफ ना बोनलैस गोश्त है यानी कि बगैर रटी तो इसकी किन्नी के चंगी तरह पुनसान 5 से 7 मिनट अच्छी तरह इसनी बुनाई करो। उसने तो बाद असा इसने बहुत सारे बेसिक मसाले जड़े वह बसा बुनियादी मसाले ज़्यादातर जड़े आम घर इस्तेमाल होने वाले सिर्फ पैसा होना। इसने नमक आ मिर्ची हल्दी है धनिया जीरा लौंग दालचीनी तेज पत्ता। अच्छा जी, असं अपनी हांडी ब्राउन प्याज कच्चा प्याज और सारे मसाले पासा 5 मिनट ही इसी मजीद बुनाई कर सा। 5 मिनट नहीं बुनाई करने तो बाद अद्धा किलो गोश्त 4 गिलास पानी पासा तो इसकी 45 मिनट ना प्रेशर लासा। बीफ आ तो 45 मिनट और अगर मटन आ तो 35 मिनट ना प्रेशर ला के इसकी छोड़ दो। जब तुसने गोश्त अच्छी तरह गली गए छे उस तो बाद वो अच्छी तरह इसने बुनाई करी कि ना मकसद ये है कि गोश्त असा ना फाइनल रिजल्ट तैयार आ। हूँ असा इसने करेले शामिल कर सो, इस स्टेज पर करेलिया नहीं गोश्त नाल थोड़ी जी और बुनाई कर सो ताकि वो मजीद थोड़े नरम हो गए। हूँ लास्ट पर असा इसने टमाटर पेस्ट पाया, टमाटर पेस्ट सब पॉइंट पर तो पाया ताकि करेले सारा उसका जायका जोड़ा अच्छी कि ना किना। अच्छा, हूँ सालन का कलर अगर डार्क हो गया है तो उसने 4 से 5 चम्मच दूध पाई कि नौ कच्चा, इंशाल्लाह कलर ठीक हो गया सी। लो जी, सब तो पटन मरला आ गया डिश आउट करने ना। बहुत ही आसान मज़ेदार जी कम टाइम बनने वाली रेसिपी है, चपाती नाल ट्राई करो। वीडियो चंगी लगे तो वीडियो के लाइक और चैनल की सब्सक्राइब करो, इस हौसला अफजा नहीं होनी। प्लीज़ चैनल की जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।